बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ हूँ एनालिसिस के लिए, जिसकी रिक्वेस्ट की गई थी। और मैंने जैसे आपको बताया था कि ज़रा मेरी तबीयत ख़राब थी तो वीकली रैपअप भी नहीं कर सका था मैं, तो आपके साथ मैंने वीकली रैपअप भी शेयर कर दिया है। और कुछ स्टॉक हैं जो क्यू में थे, काफ़ी अर्से से इनकी रिक्वेस्ट आई हुई थी, जिसमें DGKC है, DG खान सीमेंट है, इमेज पाकिस्तान लिमिटेड और PICT। आजकल बहुत लगा उसमें लाइमलाइट में, उसकी वजह से ही थोड़ा सा और फरमाइश आ रही थी, तो मैंने कहा चले इसको भी ले लेते हैं। और पी कॉल है पाकिस्तान केबल्स। तो चलिए पहले हम DGKC से शुरू करते हैं, सीमेंट सेक्टर से। तो अभी इस वक्त देखें, आपको पता है कि ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में जो है बड़ी तेजी आई हुई है, डेवलपमेंट फंड जो है वो इशू हुए हैं, रिलीज हुए हैं, तो उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर काफी परफॉर्म अच्छा कर रहा है। अभी जो ये तो मेरी फरमाइश पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोशल मीडिया में स्पेशली बता दिया था कि इसमें जो चेराट है और पाइनियर है, ये बड़े वॉलेटाइल हैं। ये मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर सीमेंट सेक्टर में अगर कोई काम करना हो, बहुत अच्छा गेन लेना हो, फॉर डे ट्रेडिंग एंड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ, तो इसमें आप PIOC पाइनियर सीमेंट और चेराट CACC इनमें आप काम कर सकते हैं। DGKC भी ऐसी बातें इनके साथ ही चलता है, DCL है, बाकी और भी स्टॉक चलता है, मेपल सीमेंट भी है, लेकिन वॉलेटिलिटी जो है ना वो पाइनियर सीमेंट और चेराट सीमेंट में बहुत आती है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। पहले तो हम इसका RSI देखेंगे। RSI जो है इस वक्त वीकली पे 69 है और डेली पे जो है वो 81 है। दैट मीन्स कि अगर ये 69 पे अगर वीकली पे जा रहा है तो ओवर बॉट जोन में एंटर हो चुका है, और 80 पे आ गया है डेली पे, तो ओवर बॉट जोन में है। तो अब हम देखेंगे इसके वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स भी अच्छे लगे डेली में भी और वीकली में भी। वीकली में भी अच्छे वॉल्यूम लगे, अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है ये स्टॉक जो है वो क्लोज हुआ है। इसकी क्लोजिंग प्राइस है 63.88 और इसने इस वीक में जो हाई किया था वो 65.50 का किया था। तो चलिए आइए इसको हम पहले तो हम इसका डेली में ट्रेंड डिफाइन कर लें। डेली पे आके MA 200 या सिंपल मूविंग 200 लेंगे, हम ट्रेंड डिफाइन करेंगे। तो ट्रेंड तो ये अप ट्रेंड है, जब तक ये 47 को मेंटेन किया, ये वाला आपको बता देता हूँ लेवल, ठीक है ना, जब तक ये लेवल मेंटेन किया हुआ है तो ये अप ट्रेंड में ही है। तो जाहिर सी बात है, इन अप ट्रेंड एनी डाउन साइड इज बाय अपॉर्चुनिटी। जब ये देखें, ऑल्दो ये आया था नीचे, आया था इधर डाउन ट्रेंड में आया था, लेकिन ज्यादा अरसा रहा नहीं है डाउन ट्रेंड में। देखें यहाँ इसने आके फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना शुरू की, यहाँ पे देखें अपसाइड हुआ, फिर थोड़ा सा डाउन साइड आ गई है। मतलब यहाँ पे जो है सेलर एग्जॉस्टेड है, बायर एक्टिवेट हो गए थे और उन्होंने जो है स्टॉक की प्राइस को फिर यहाँ तक ले गए 65 तक। तो बहरहाल अभी अगर हम देखें करंट सिनेरियो में, वीकली पे आ जाते हैं दोबारा, जरा वीडियो जरा शॉर्ट शॉर्ट करनी है क्योंकि और भी स्टॉक हैं। अब करंट सिनेरियो में हम देखते हैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से पहले, ठीक है, हम ऐसे एक ट्रेंड लाइन लेंगे। अच्छा, ट्रेंड लाइन के देखें तो अभी तक ये जो मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक तो किया है, लेकिन इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं बनी है, ठीक है ना, इसके ऊपर कैंडल बनना बहुत जरूरी है। और इसकी आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एटलीस्ट यहाँ पर जो है ये 64.32 इसके ऊपर जो है सस्टेन करना बहुत जरूरी है स्टॉक कर, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बननी चाहिए, ठीक है ना। बुलिश कैंडल मेरा कस्टमाइज कलर जो येलो है, ये कैंडल बननी चाहिए, ये बनती है तो फिर आप यहाँ पे जिसका जो हाई था, ठीक है ना, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। अभी तक जो इसका हाई है 65.50 का है, ठीक है, ये देखें ये वाला हाई इसका अभी तक 65, आई थिंक ये 65.70 का है, हाँ 65.70 का है ये, और अभी रिसेंटली ये गया था 65.50 तक। मतलब ये हायर साइड पर इस वक्त यहाँ पे ये हम रिजेक्शन देख रहे हैं, तो अगर हम इसको चलें और ऊपर कर लें कि इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए 65.70 के ऊपर तो और अच्छा है। लेकिन CPR को भी अगर ये मेंटेन करता है, अपर लेवल CPR का 64.32 है, ठीक है ना, वीकली पे ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टाइम फ्रेम पे, तो अच्छा स्टॉक ये जो है परफॉर्म कर सकता है आगे जाके।
और अगर हम नेक्स्ट जो है एक और जो है फिबोनाची, उससे हेल्प ले लेते हैं। ये देखें, ये यहाँ से अगर हम देखें हाई और लो क्या था, ठीक है ना, ये ले लेते हम, सॉरी इसको जो है और नीचे, ये देखें तो ये 70 जो है ये अपने आप को रिटेस्ट कर सकता है ये वाला लेवल, ठीक है, क्योंकि इसने ये देखिए यहां से सारे लेवल जो है इसने ब्रेक किए हैं। अगर हम देखें तो ये वाला भी लेवल ब्रेक किया है, 59 से ही वापिस आया था ये, ठीक है ना, यहाँ पे भी इसने रिटेस्ट किया, रिजेक्शन है यहाँ पे भी, रिजेक्शन है यहाँ पे। अब इसने इसको जब से 59 को क्रॉस किया है तो हो सकता है कि वापिस इधर 59 पे सपोर्ट भी लेने हैं। यहाँ पर भी मैं आपकी सपोर्ट एरिया बना देता हूँ, ये वाला 59 वाला एरिया जो है बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, अराउंड 59 है, 59 बिटवीन 60 टू 59, ये अच्छा सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे बाय करनी चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कोई वीक बने, क्लोजिंग का हमें देखिए ये वीकली है तो स्टॉप लॉस तैयार रखें हम अपना, स्टॉप लॉस के साथ चले। अगर आपको लॉन्ग टर्म लेना है तो बहुत अच्छा स्टॉक है ये, तो इस पर देखें ये, और अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर ये वीकली पे, वीकली में हम आ जाते हैं, वीकली में हम 50 ले लेंगे इनपुट, हम इसमें 50 डाल देंगे, ठीक है। देखिए ये 47 जो है ना, ये भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल, जैसे मैंने बताया था ये भी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है 47 पे, इसको इसने क्रॉस किया है अच्छा। और अगर हम 200 पे आ जाए रेजिस्टेंस पे वीकली पे, तो ये वाला रेजिस्टेंस एक इनिशियल रेजिस्टेंस कहलाएगा, बल्कि हम इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कोई वीक बन सकती है ये वाला एरिया, जो ये कैंडल जो अभी तक रिटेस्ट में जो बुलिश कैंडल बनी थी और इसकी क्लोजिंग आई थी, लेकिन इसके बाद आई नहीं है, ये है 28 मार्च 2022, इसके बाद जो है ये के रेजिस्टेंस आ सकता है बीच में, और इसके आते ही जो है फिर ये जो है इसको क्रॉस करते ही ये वाला लेवल एक्सपोज हो जाएगा 88 का, ये वाला भी लेवल रिटेस्ट हो सकता है, सॉरी ये जरा आगे हो गया, इसको मैं जरा सही कर देता हूँ, ठीक है, ये 88, 89 का लेवल, ये वाला लेवल आने वाले दिनों, बल्कि हम इसकी टू बी ऑन द सेफ साइड, ये जो कैंडल है इसकी हम नेक लाइन रेजिस्टेंस ले लेंगे, ये एक रेजिस्टेंस जो है हो सकता है, इसको मैं अभी ये रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखिए करंट सिनेरियो में आपको इस वक्त जो जो सपोर्ट एरियाज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तुम CPR ले लेंगे 63, 61, बिटवीन 62 टू 61, ये अच्छा सपोर्ट एरिया है, 59 पे अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे वीक बनती है तो यहाँ पे वेट करना चाहिए, देखें कि अगर ये 59 टच कर रहा है तो यहाँ पे जरूर लेना चाहिए। अच्छा अब हम आ जाते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये अच्छा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ, मुझे आने वाले दिनों में करेक्शन, वैसे मैंने आपको जैसे उस पर बताया था वीकली रैपअप में भी करेक्शन ड्यू है, हटका सा डाइवर्जेंस भी आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा ये नीचे की तरफ परफॉर्म करे, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वीकली पे वो 65.70, 65.50 यही नजर आ रहा है, जैसे पहले भी यहाँ से रिजेक्शन आई थी अभी भी यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, अभी तक कोई कैंडल बनी नहीं है, ये मैंने बनाई है कैंडल, अगर यहाँ कैंडल बनती है तो फिर यहाँ से फिर ये इसमें मजीद आगे वॉलेटिलिटी आ सकती है। अच्छा दूसरा स्टॉक जो है इमेज, इसकी आई थी मुझे रिक्वेस्ट, इमेज ने भी अच्छा परफॉर्म किया, अब आप जैसा आपने देखा तो इमेज का भी अगर हम ट्रेंड देखें तो ये ट्रेंड डिफाइन करें तो ये वाला लेवल जो है अभी अप ट्रेंड में है, सॉरी इसको मैं डेली भी कर देता हूँ, अप ट्रेंड में है और ये वाला लेवल जो है 11 रुपए 42 पैसे बहुत अच्छा लेवल। अच्छा इंट्राडे ये देखिए आया है, इंट्राडे में नीचे आया लेकिन यहाँ पे गैप से और छोटे डोजेस बनना शुरू हुए, दैट मीन्स कि यहाँ पे सेलर एग्जॉस्टेड है, बायर भी सोच रहे हैं कि क्या करें, नीचे लें थोड़ा देखें, और जब जब ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद यहाँ से देखें परफॉर्म, ये वाला एरिया ब्रेक हुआ 11 रुपए का, ठीक है, इसके बाद यहाँ से परफॉर्मेंस देखी, फिर ये वापस इसी एरिया में आया 11 रुपए के अराउंड, 10.85, 10.68 यहाँ पे आया, फिर इसने अगला दोपहर अपनी परफॉर्मेंस दी और यहाँ पे बहुत अच्छी रिजेक्शन हमने देखी कि प्रॉफिट टेकिंग ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग आती है 14 रुपए के अराउंड, 14 रुपए 30 पैसे ये वाला एरिया जो है अब सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो गया है।
पहले ये रेजिस्टेंस एरिया था 14 रुपए 25 पैसे का, ब्रेकआउट के बाद जो है देखें यहाँ पे कंसोलिडेट किया फिर इसको ब्रेक किया, तो ये बहुत अच्छा एरिया है 14 रुपए 25 पैसे, यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। अच्छा स्टॉक है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर का अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड वगैरह भी देने लगा, डिविडेंड बोनस पहले बोनस दिया 15% और फिर उसके बाद 15% डिविडेंड इसने दिया है, तो यू देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा अब इसमें भी हम जरा ट्रेंड लाइन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा डेली में आ गए हम, अब वीकली पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। अच्छा वीकली परफॉर्मेंस भी देखें बहुत अच्छी रही है इसकी, यहाँ पे देखें यहाँ पे बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया था, यहाँ पे एक्यूमुलेट सबसे बेहतरीन रेट जो था ना वो 9.5 रुपए के अराउंड था, 9 रुपए 60 पैसे 70 पैसे 50 पैसे ये वाला एरिया जो था ये बहुत अच्छा था, ये एरिया नीचे वीक बनती थी थोड़ा बहुत नीचे आता था स्टॉक, ये 9 रुपए 10 पैसे करीब, लेकिन 9 रुपए 50 पैसे 70 पैसे बहुत अच्छा एरिया माना जाता है इसके एक्यूमुलेशन के लिए। अगर मैं यहाँ पर भी एक वीक बना दूँ ये वाला एरिया बहुत अच्छा है, 9 रुपए 84 पैसे 50 पैसे ये एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। अभी इस पर वीकली में देखें तो 17 रुपए 90 पैसे जो है ये CPR का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड, और अपसाइड के लिए जो है यहाँ पे इसका नेक लाइन रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये वाली कैंडल जो है 1 नवंबर 2021 को बनी थी, इसके ऊपर जो ये क्लोजिंग आई है अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है, तो इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड, ये अभी तक इस वक्त जो है 20 रुपए 12 पैसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से लेंगे तो हम ओह अच्छा वो बनाया था ना ये आ गया, इसको मैं जरा बहुत कलर भी इसको मैं ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है ना, ये देखें ये एरिया जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये एरिया बहुत अच्छा, हमको प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ले लेते, हो सकता है यहाँ कोई विक बने, लेकिन वैसे तो अभी एरिया जो है वो यही नजर आ रहा है 15 रुपए 33 पैसे, लेकिन आप प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको यहाँ ले लें 15 रुपए 30 पैसे से लेके 15 रुपए 13 पैसे या 15 रुपए ये वाला एरिया जो है अच्छा सपोर्ट एरिया बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। इवन जैसे मैंने 14 रुपए 25 पैसे बोला था इसको भी रिटेस्ट कर सकता है, तो बिटवीन 15.13 to 14.25 इट्स अ गुड प्राइस टू एक्यूमुलेट, यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा बाकी मैंने आपको बता दिया है, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा अगर ये देख लें फिबोनाची भी चले अप्लाई करके देख लेते हैं, इसमें पहले भी इसने हाई किया था फिर ये लो किया था, इसके बाद इसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है, तो देखिए 16 रुपए 50 पैसे तो इसका फिबोनाची का वो था 1.618 एग्जैक्टली देख लें, सिंक्रोनाइजेशन देखें आप 20 रुपए ये सिंक्रोनाइजेशन है प्राइस एक्शन की और फिबोनाची की, जो जो मैंने अभी वीकली में भी शेयर किया कि 2.618 57,000 बनता है, अगर इसको क्रॉस करते हैं तो अगला जो है फिर ये 23.85, ठीक है ना, ये इसका चैनल टॉप है, इसके बाद से इसका रिवर्सल हो सकता है, मुमकिन है कि यहां से ही रिवर्स हो जाए। तो आपके अभी फिलहाल जो टारगेट्स हैं वो तो अगर ये CPR के ऊपर जाता है तो बिटवीन 20 रुपीज टू 24 रुपीज, या मैं टू बी ऑन द सेफ साइड बोलूं तो 20 रुपए से लेके 23 रुपए तक समझ लें आप, तो ये आपका जो है टारगेट होना चाहिए, और बाय का टारगेट मैंने आपको बता दिया 15 रुपए 13 रुपए से या 15 रुपए 15 पैसे समझ लें, 15.25 से लेके 24 ये बेस्ट है, ये यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोअर साइड पे हायर साइड पे थोड़े लो वॉल्यूम लगे हैं, वीकली पे भी थोड़ा सा ये ओवरबॉट है, और डेली पे भी देखें तो ये इस वक्त ओवरबॉट जोन में है, तो इस वक्त तो बेहतर यही कि देखें अभी तो 20 रुपए करीब करीब है तो यहाँ पे ये सेलिंग ही बनती है, ठीक है ना, यहाँ अगर ऊपर जाता है तो आपने सेल ही करना है, बाय के लिए थोड़ा वेट करें जो न्यू एंट्री लेना चाह रहे हैं इसकी वॉलेटिलिटी को देखते हुए, तो कम से कम भी जो 15 रुपए 85 पैसे का आप यहाँ पे रखें जो इसका लोअर बैंड है, यहाँ पे 15.85 पे आप एटलीस्ट यहाँ से शुरू करें जो जो न्यू एंट्री लेना चाह रहे हैं, जिनके पास ऊपर का माल रखा हुआ है वो जो है वो अगर प्रॉफिट में है नीचे लिया हुआ है वापस उन्होंने तो उसको सेल करें, अगर और हायर प्राइस का लिया हुआ है तो थोड़ा वेट करें और इस पर ट्रेड करते रहें तो उसमें आपको गेन मिलता रहेगा।
तीसरा जो है पी कॉल, पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड। अच्छा, इसमें भी देखें इतनी वॉलेटिलिटी तो आई नहीं है डेली पे, अगर देखें तो ये अप ट्रेंड में है डेली का जो है इसका। मैं आपको बता दूं ये वाला सपोर्ट एरिया बहुत अच्छा है, 92 समझ लें, बिटवीन 93 to 92। वॉलेटिलिटी इसमें बहुत रहती है, देखें यहाँ पे कितने बड़े इसने यहाँ पे ये रिजेक्शन यहाँ पे देखी है, यहाँ पे भी रिजेक्शन देखी है हमने, और यहाँ पे फिर ये सेलिंग भी हमने देखी, प्रॉफिट टेकिंग बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है वीकली पे अगर हम देखें, सॉरी ये रहा वीकली, वीकली में देखें तो अच्छे वॉल्यूम के साथ। अच्छा हाँ देखें इसमें एक ये डार्क क्लाउड कवर जो एक बेरिश साइन है, ये इनिशियल बेरिश साइन होता है। अगर इसके फंडामेंटल अच्छे हुए हैं, फंडामेंटल अभी इसके मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे फरमाइश आई थी तो मैंने ये कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसका भी मैं फंडामेंटल निकालूंगा। तो इस वक्त देखें तो ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से ये वाला एरिया जो है ये सेलिंग एरिया इसका है, प्रॉफिट टेकिंग वाला एरिया है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी एक स्टॉक गया, लेकिन रिजेक्शन देखिए, फिर इसके बाद ये दोबारा से देखें बेरिश कैंडल बनी, अभी यहाँ पे देखें हम बेरिश कैंडल बनी है, डार्क क्लाउड कवर हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो सीपीआर का लोअर लेवल है 9978 या 99, बिटवीन 99 100 to 99, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे स्टॉक में सपोर्ट लिया है, तो अगर इसके अच्छे फंडामेंटल हुए, डिविडेंड ओरिएंटेड है कि नहीं, लोड अगर हम करके देखें तो हाँ बोनस डिविडेंड देता है, 10% बोनस, 65% डिविडेंड, फिर 10-15% बोनस, बोनस और डिविडेंड की थोड़ी हिस्ट्री है इसकी, तो हो सकता है कि यहाँ से ये वापस इसको ब्रेक करके अपर साइड पे मूवमेंट दिखाए, तो फिर अगला इसको हम क्लियर कर देते हैं। अगला रेजिस्टेंस ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये यहाँ पे हमको ही नजर आ रहा है होता ये वाला, जहाँ से इसको रेजिस्ट किया था 150 भी नजर आ सकता है, और अभी तो फिलहाल देखें तो ये 130 तक जाता हुआ नजर आता है अगर ये क्रॉस करता है ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया जो है बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया था वीकली पे, मैं आपको बता दूं ये वाला एरिया, तो इस एरिया को ये रिटेस्ट कर सकता है 130 के अराउंड, ठीक है। अगर ये 114 वाला जहां से अभी इसने हाई किया है, जहां पे डार्क क्लाउड कवर बना है, तो ये कर सकता है अपने आप को रिटेस्ट 130 रुपये आने वाले दिनों में, ठीक है। इवन यहां से भी अगर मिले ट्रेंड लाइन अगर हम यहां से बनाए, तो ये बड़ा अच्छा एरिया कहलाएगा, यहाँ इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है इनिशियली, ये वाली ट्रेंड लाइन का यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं 117 रुपए के ऊपर, तो फिर हम 130 विटनेस कर सकते हैं, और फिर 130 के बाद ग्रेजुअली ऑब्वियसली ये फिर आपको आपको रिटेस्ट करेगा। इसके लिए हम दोबारा से ये इसमें ये जो हाई किया था इसी को ले लेते हैं, और ये लो लो ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये 136 भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे 136 भी आ रहा है फिबोनाची के हिसाब से, तो ये भी आपने आपको रिटेस्ट कर सकते हैं 136, फिर अगेन 136 के बाद जो है फिर हम ये 169 रुपये जो इसका हाईएस्ट साइट था जहाँ इसने हाई किया था, ये भी हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं 168 के अराउंड। अच्छा चौथा जो है स्टॉक है पीआईसीटी, तो पीआईसीटी के हवाले से थोड़ा सा जो सबको पता ही है ऑब्वियसली, जाहिर है उसकी नीचे आने की वजह ये कि इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, दुबई की कंपनी को 20 साल की लीज पे इसको दिया गया है इसकी जगह पे पीआईसीटी की जगह पे, जब भी ये काफी नीचे आया। अच्छा इसका यहाँ पे यहाँ तक वॉलेटिलिटी आना 36 रुपए से लेके 100 रुपए जाना, उसकी वजह ये थी कि डिविडेंड इसका ड्यू था, इसकी ये जो है अर्निंग देखें अभी भी जो ईयरली अर्निंग 16 रुपए, और ईयर एंड दिसंबर है, तो दिसंबर के बाद जो है इसमें जरा देखभाल के काम करें, क्योंकि जाहिर सी बात इनका काम खत्म होंगे अनलेस और अंटिल कोई और न्यूज नहीं आ। देखिए उसको टेक ओवर करने की काफी खबरें आ रही हैं, कभी कह रहा है कोई सरदारी टेक ओवर तो कर लेगा, लेकिन असल बात है काम करना, अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, देखिए हर चीज का किसी भी कंपनी का ताल्लुक, एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल गए, फला हो गया, ढिमका हो गया, चले ठीक है, इसके इसकी वजह से जो है वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ, अर्निंग कितनी, सबसे बेसिक तो चीज यही है कि अगर आप सेल भी बहुत अच्छे देखे ना, बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जिनके रेवेन्यू बहुत अच्छे आते हैं लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाती है, नीचे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो असल चीज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी भी कंपनी का अच्छा आ रहा है, ऑर्डर्स भले कितने मिल रहे, जाहिर सी बात है अगर आपकी दुकानदारी चल रही है, अगर आप एक चीज 100 रुपए की ला रहे हैं, 100 रुपए की बेच रहे हैं, लाखों की, तो आपकी रेवेन्यू हो रहा है लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है। तो देखना ये कि इसको आने वाले दिनों में प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है ना। हमेशा आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नजर कर रखा करें, रेवेन्यू कितना भी आ जाए, इंक्रीज हो जाए, ईपीएस कितना भी आ जाए, लेकिन आपने जो है अर्निंग, जो क्वार्टर की जो अर्निंग होती है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उससे आपको अंदाजा, आप उस पर फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं, उसकी एक हेल्प मिल सकती है। वैसे तो फ्यूचर का फोरकास्ट तो बहुत मुश्किल है, इसमें काफी जो है आपको उस पर टूल यूज करने पड़ते हैं। तो एक तो ये एक टूल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो दैट मींस कि इसमें काम चल रहा है। तो बहरहाल अभी इस वक्त तो इसमें कोई काम चल नहीं रहा है, ये पिछले जो इसके रिजर्व थे, पहले भी अच्छा डिविडेंड देता रहा है, साल के तकरीबन 27 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए साल का इसका डिविडेंड होता था। तो अभी इसमें से तो ये 20 रुपए तो दे चुका है साल के। हो सकता है थोड़ा से वॉलिटिलिटी आए इसमें, डिविडेंड और भी हो सकता है मिल जाए, क्योंकि इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ उसकी क्वार्टरली 2 रुपए, तो हो सकता है आगे जाके ये 16 रुपए ईयरली अर्निंग भी आ रही है। तो अभी दिसंबर एंड आ रहा है, तो उसमें देख सकते हैं वो, उसमें वॉलिटिलिटी आने वाले दिनों में, कि भी ये डिविडेंड आने से पहले पहले ये फिर हो सकता है एक रैली बनाए। लेकिन अभी टेक्निकली देखें वीकली पे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, वीकली पे देखें यहाँ एक गैप आ रहा था जो उसने फिल कर दिया। मेरे हिसाब से तो अब ये इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। 98-70 था उसने, मेरे ख्याल से आई थिंक 100 के अराउंड, 101 का हाई भी किया है। तो ये 98-70 जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और मे भी हो सकता है कि ये एक बेयरिश फ्लैग हो, जब यहाँ तक पहुंचा है फिर ये आएगा, तो हो सकती है यहाँ तक कहीं ऊपर जाए 68 तक। मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि मैंने जब ये गैप लिया है तो ये भी प्राइस एक्शन के हिसाब से आता है। हो सकता है ये जाए यहाँ से, फिर ये वापस ये बेयरिश फ्लैग बनाए, फिर ये जिसका जो लो है इसको भी तोड़ दे मोस्ट प्रोबेबली, कि फंडामेंटल इसके इतने कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन ये अच्छा सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फंडामेंटल कुछ नहीं है, अर्निंग कुछ नहीं है, तो फिर फायदा इसमें है नहीं। अगर आप इसमें जैसे ट्रेडिंग होती है, आप ट्रेडिंग के लिए डे ट्रेड के लिए लें विद स्टॉप लॉस जो है, आप इसमें काम करें, इसमें काम करने में कोई नहीं, प्राइस बहुत लो है और इसमें वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी आती है। तो बीच में जो वॉलेटिलिटी आती है उसकी मैंने वजह बता दी, गैप फील किया ऐसे नहीं है ये वीकली पे, ठीक है। और इस वक्त जो इसने जो अपना सपोर्ट तोड़ा है, जो बेहतरीन सपोर्ट था 139 के अराउंड, ये वाला इसका भी फिलहाल रीटेस्ट होना बहुत मुश्किल लग रहा है, अनटिल और अनलेस जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी अर्निंग शुरू नहीं हो जाती। अर्निंग पे ख्याल रखिएगा, र्यूमर्स पे नहीं जाएगा कि फलाने ले लिया और इसने ले लिया है। तो अभी जब तक इसको कोई और, इसकी कोई और कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं आती कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, कि इसको कोई नया कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है कहीं और, तो बहरहाल अभी इस वक्त जो है मुश्किल है कुछ कहना है इसका आगे बढ़ने के लिए। अभी तो फिलहाल ये नीचे नजर आ रहा है, ऑल दो देखें तो यहाँ पे वीकली पे एक अच्छा साइन बना है, डोजी बना है, तो आपको ये यहाँ पे यहाँ तक भी दिखा सकता है 53 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ। अभी फिलहाल नजर तो आ रहा है यहाँ पे ये कि ये 53 रुपए, और इवन जो इसके जो यहाँ पे ले लें ये 56 रुपए, 53 रुपए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ये यहाँ से जा सकता है ऊपर, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं फिबोनाची की तरफ, जो हम लेते रहे फिबोनाची, ठीक है ना। इसने हाई किया था ये और लो किया था ये इसने, ठीक है। तो अभी हम देखें तो इस वक्त ये 50 पर, जिस तरह मैंने बताया 67 रुपीज, ये इसका 50.5 जो है लेवल है वो 68 रुपए के अराउंड है। 68 रुपए को जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तो 0.68 है, ठीक है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 75 रुपए के ऊपर, तो अगेन ये 100 रुपए, और जो मैंने आपको लेवल बताया 139 रुपए भी इसको रिटेस्ट कर सकता है। ये 140 रुपए का 1.618 इसका फिबोनाची का गोल्डन रेशियो यहाँ नजर आ रहा है, तो इसको भी ये रिटेस्ट कर सकता है। तो होपफुली कोई अच्छी न्यूज आती है तो ये इसको क्रॉस भी कर सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो बहरहाल अभी फिलहाल जो है इसमें केयरफुली काम करें और स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करते हुए चलें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।